मित्रों, ये बहुत ही दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि सुदूर पूर्वोत्तर से जो बच्चियां यहाँ काम करने के लिए या पढ़ने के लिए आती हैं, वो एक भाव मन में लेके आती हैं कि हम दिल्ली देश की राजधानी में जा रहे हैं। बहुत उम्मीदें और आशाएं लेकर आती हैं, लेकिन दिल्ली इतनी असुरक्षित हो गई है महिलाओं के लिए कि उन्हें यहां आकर के बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। धौला कुआं गैंगरेप पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक मिजो लड़की ही इस तरह के बलात्कार का शिकार हुई थी। उससे पहले मणिपुर की एक लड़की के साथ इसी तरह की घटना घटी थी। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पुराने अपराधियों को ना पकड़ा गया है और ना किसी तरह की सजा दी गई है। 5 साल पहले एक स्विस लड़की का रेप सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम के सामने हुआ था, आज तक अपराधी फरार हैं। इसलिए दोषियों के, अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। हम हैरान हैं कि बिहार जैसी जगह पर, जिसे अपहरण उद्योग का राज्य कहा जाता था, जहां कानून व्यवस्था जर्जर थी, अगर उस बिहार को सुरक्षित बनाया जा सकता है, अमन और चैन की नींद वहां लोग सो सकते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली, जो सीधे केंद्र सरकार के नीचे है, इसको सुरक्षित क्यों नहीं बनाया जा सकता। वर्षों से महिलाएं ये बात लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं कि दिल्ली को सुरक्षित करो, यहां महिला सुरक्षित नहीं है। देश की राजधानी अपराधों की नगरी बन गई है। दिल्ली हैज बिकम द क्राइम कैपिटल एंड गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग। इसीलिए आज हमने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला सांसद और हमारे पूर्वोत्तर से जीत कर आए हुए सांसद यहाँ इस धौला कुआं गैंग रेप के विरोध में एक प्रदर्शन करेंगे और धरना करेंगे, और आज वही धरना हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सरकार चेते। कल चिदंबरम जी ने कहा कि नहीं, पुलिस हरकत में तो आई हुई है। आज 7 दिन हो गए घटना को, क्या पुलिस की हरकत आई हुई है? हर दिन एक नया स्केच निकल जाता है अपराधी का, लेकिन आज तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। कोई महिला अपने घर रात को जा नहीं सकती है। ये बच्चियां बिचारी काम करने के लिए वहां से यहाँ आई हैं और यहाँ आकर बलात्कार की शिकार होती हैं, हत्या की शिकार होती हैं। सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज का हमारा ये धरना प्रदर्शन इसी के विरोध में है कि सरकार चेते, जागे और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे। देखिए, हर चीज का जवाब इस्तीफा तो नहीं होता है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और इसमें कार्यवाही करनी चाहिए और तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। That's not today, na. शर्म करो, सीरा दिशी शर्म करो। मुख्यमंत्री सुनो सुनो, महिलाओं को सुरक्षित करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हैं हमारी बेटियां, पहले तो पूर्वोत्तर की बेटियां, हमारी बेटियां, हैं हमारी बेटियां। पूर्वोत्तर की 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 बेटियां, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शीला दीक्षित, शर्म करो, शर्म करो, शिक्षा करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों की गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आगे आ जाओ, सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पूर्वोत्तर की बेटियां, हैं हमारी बेटियां। पूर्वोत्तर की बेटियां, हैं हमारी बेटियां। सुरक्षित नहीं चलती असुरक्षित दिल्ली, महिला सुरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं दिल्ली में, राजधानी दिल्ली राजधानी नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं, महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो, मुख्यमंत्री।
सुरक्षित करो। सोनिया जी सुनो सुनो, महिलाओं को सुरक्षित करो। सोनिया जी सुनो सुनो, महिलाओं को सुरक्षित करो। सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। शीला दीक्षित शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शीला दीक्षित शर्म करो।